कॉन्सेप्ट जिसमें देह नहीं है. विदेह क्या है? वी देह, यू नो, नेगेशन ऑफ बॉडी. सो ये जो दर्शन का हम लोग कहते हैं ना कि ये ज्ञान क्षेत्र है, दर्शन का क्षेत्र है, ये सिर्फ कोई दर्शन किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ है. यहाँ पे देह की जो प्रासंगिकता है, यहाँ पे देह का जो इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे देह का जो पूरा एक डिस्कोर्स है, वो नहीं है. और इसीलिए ये वेस्ट जिसको कहते हैं ना कि हम लोग क्या कोई ईस्टर्न और वेस्टर्न पैराडाइम में डिफरेंस है. यस ऑफ कोर्स अ ह्यूज डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज अ फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बीइंग. हु आर यू? फाइन, आर यू जस्ट अ बॉडी? सीटु तिवारी इज जस्ट अ बॉडी? नो, शी इज नॉट. शी इज मच मोर देन दैट. इवन इफ यू विल बी देयर, योर वर्क विल बी देयर, योर होल, you know, the whole sansar would be there, your whole world would be there when Sri Tiwari ceases to exist. Like we have many, you know, such people. So ye videh ka jo concept tha, unko vaidehi kehte hain. And also that first time we had a concept where a daughter is taking after the father. It's videh kasi kisi beta ka naam janti ho? Unka beta kaun tha? Janak se Janaki. Janak putra ka naam suni ho? विदेह से वैदेही. ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लीनियज का जो एंटायर आइडिया है ना, उसको फॉर्मुलेट किया जा रहा था. एंड बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव फॉर मी. आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, फाइन, बट आर्ट इज नॉट बियॉन्ड सोशल साइंस. यू नो, इट इज ऑफकोर्स, यू नो, इट कम्स इन आवर सोसाइटी. सो द सोसाइटी विच इज प्रोड्यूसिंग दिस आर्ट इज हैविंग वॉट काइंड ऑफ फिलोसफी वॉज समथिंग वेरी वेरी इंटेग्रल एंड सेंट्रल टू मी. एंड दिस इज वाई आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर इट इन. एंड बिलीव मी सी टू, ये इंटरव्यू के लिए नहीं है. दिस इज आई मीन बिटवीन यू एंड मी ट्रूली. दिस आइडिया वॉज बेसिकली कॉन्सेप्ट विच हैव बीन थिंकिंग फॉर सम ईयर्स. यू नो, इट्स नॉट दैट आई ब्लर्टेड इट, यू नो, काइंड ऑफ आउट, बट इट वॉज नॉट टेकिंग ऑफ. चल रहा था बैक ऑफ माइंड में, ये सब सारे डिस्कोर्स चल रहे थे. सो वी हैव पेंटिंग कॉम्पिटिशन एवरी ईयर विथ MLF. दिस इज द फोर्थ एडिशन ऑफ MLF, राइट? So we wanted to have something like this, but this time I went and proposed because Manisha wanted to get attached with me. She has seen 19 यहाँ पर 102 paintings हैं सीता जी की, अलग 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 अलग, और ये कई राज्यों से लाई हुई पेंटिंग है. ये खाली से भी है, कई राज्यों देशों से लाई हुई पेंटिंग है. ये खाली ऐसा नहीं है कि खाली यहाँ एक. नहीं नहीं नहीं, मुझे दरअसल ये जो आप एक वस्त्र करा रही हैं, दरअसल इसी को मैं कवर करने आई हूँ. ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो यहाँ के वीवर्स हैं, आपको देर होगी तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. अच्छा, ठीक है, कर लो. एक वस्त्र का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? और महिलाएं, हमने सुना कि एक ही साड़ी पहन कर भी बिना ब्लाउज और पेटीकोट के जो है रैंप वॉक करनी, क्या है? ये बेसिकली जो मिथिला जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये वस्त्र उद्योग और जो बुनने की परंपरा है, वो चाहे जनेऊ बुने, वो चाहे धागा बुने, किसी भी किस्म का स्पिनिंग एंड वीविंग का जो पूरा ट्रेडिशन है, टेक्सटाइल का जो एक रिच ट्रेडिशन है, इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है यहाँ के विषय में. आप इसीलिए हर एक रिचुअल में धागा जरूर देखेंगी, कोई ना कोई धागे को बांधा जाता है. तो इसका मतलब है, और इसकी जो इसका जो नॉलेज रिपोजिटरी थी वो वुमेन थी. इट्स नॉट मैन हु वर वीविंग, इट्स वुमेन हु वर वीविंग, राइट? सो खादी की जो बेस्ट ऑफ वेराइटीज विच मधुबनी वॉज प्रिविलेज्ड ऑफ, फाइन, इवन राजेंद्र प्रसाद का जो कुर्ता का कपड़ा लोहा कब्स क्या गांव से जाता था बन करके, फाइन. तो ये सारे के जो केंद्र में थी वो स्त्रियाँ थीं, वो महिलाएँ थीं. वो बहुत फाइन कॉटन का वो तैयार करके दे रही हैं, तब उसका जा करके कहीं ना कहीं खादी भंडार में जो है वस्त्र बन के आ रहा है. तो धागा मूल में है, और उसके मूल में भी जो है वो स्त्रियां हैं. धागा है और धागे के मूल में स्त्रियां हैं. ये सारा जब जैसे जैसे हमारा खादी भंडार और वो तमाम चीज़ बीते और मतलब ख़त्म होते गए, तो ये कहीं ना कहीं स्त्रियों का जो अपना एक संसार था, एक उनकी जो आर्थिक संपन्नता, मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें स्त्रियां वो अपना बुन करके जो उनके खर्चे थे उसको निकाल रही थी, चला रही थी, निर्भरता उनकी नहीं थी कहीं पर. ये सब कहानियां किसी को मालूम नहीं, कोई इसका कॉग्निजेंस नहीं है, और हमेशा विपन्नता का एक लेबल जो है बहुत अच्छे से कर दिया जाता है. तो जो भी सामर्थ्य था, सामर्थ्य की तस्वीरें सामने आनी चाहिए, फाइन. तो ये जो धागे और बुनने की जो समर्थता थी उसके अराउंड, और ख़ास करके जो वहाँ की अपनी जो बुनावट की, खादी की, हैंडलूम की जो विशेषता है, उसको कहीं ना कहीं राज्य की जो ये पहचान परक जो एक पॉलिटिक्स चली, राजनीति चली, बुनकर कौन हो गया? मुसलमान हो गया. तो अब मुसलमान के साथ सिर्फ जो है अपीजमेंट चलेगा, पर उसको कोई उसके स्किल को पहचान नहीं मिलेगी, उसको उसके स्किल का सम्मान नहीं होगा,
उसकी बातें नहीं होंगी, उसको प्रोटेक्शन वहाँ नहीं मिलेगा, पर वोट की राजनीति तमाम होने लगी और उस सबके बीच में ये वस्त्र उद्योग ख़त्म हो गया, मृतप्राय हो गया है। हमारी चेष्टा ये है कि उस वस्त्र उद्योग उन बुनकरों की चर्चा हो, एक आइडेंटिटी के तौर पर नहीं, बुनकरों के तौर पर, वो ब्राह्मण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, वो बुनकर है, फाइन, पहली बात ये। दूसरी बात कि हमारे यहाँ की जो वस्त्र को पहनने की जो एक परंपरा रही है वो अलग रही है, उसमें मिनिमलिज्म जो है, कम से कम में आप अपने आप को, आप कंज्यूमर नहीं हैं, आप वस्त्र पे जो है, वस्त्र आपकी एक नेसेसिटी है, एक ज़रूरत है, और उसके साथ ही हम शुचिता को भी जो है अटैच करते हैं, जो हाइजीन जो है वो एक वस्त्र में जो सिले हुए, तो क्लोदिंग की अपनी पूरी एक इतिहास रही है, टेक्सटाइल की अपनी एक इतिहास रही है, जिसमें एक वस्त्र जो है हमारे यहाँ एक एक महिलाओं का टोटल हाइजीनिक प्योर फॉर्म में, वो किचन और पूजा घर जो दो हमारे अमूमन वैसे स्पेसेस होते हैं जहाँ वो प्रवेश करती हैं, जहाँ की वो अधिकारिणी होती हैं, मालिक होती हैं वो, तो उस क्षेत्र में वो एक वस्त्र में ही जाएं, यही जो है सबसे मेरे ख्याल से एक अभिप्राय होता था। तो एक वस्त्र में जो जब वो जाती थी, तो एक तो सबसे बड़ी बात कि वो जो एक इनेट एंटी कैपिटलिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है, कंज्यूमरिज्म का बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, आप 10 वस्त्र नहीं लपेट रहे हैं, आप एक वस्त्र में मिनिमल तरीके से आप वो होकर के आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक, तो स्त्रियों के साथ ये स्किल और ये मिनिमलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसका डेथ हो गया धीरे धीरे, और उसी के बारे में अब मैं बात करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि ये जो एक वस्त्र का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये जो एक ट्रेडिशन है, ये जो एक परंपरा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है, और इसके साथ ही वुमेन को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बाजारवादी संस्कृति के विरुद्ध अगर हम एक वर्ग को और के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं, तो हमें इन बातों को बहुत बारीकी से समझना होगा, हमें अपनी परंपरा की पुनर्व्याख्या करनी होगी, पुनर्पाठ करना होगा। अभी अगर जब हम अगर बिना ब्लाउज के या बिना पेटीकोट के अगर इस तरीके से कपड़े पहने, तो हम जो देह का जो एक लज्जा का कॉन्सेप्ट जो जुड़ गया है, क्या वो उससे भी मुक्ति है जब हम एक की बात करते हैं? इसमें एक और पक्ष मैं यहाँ पर रखना चाहूँगी कि जब हम स्त्री मुक्ति का जो ये पूरा विमर्श है, कहीं ना कहीं जो पश्चिम देश है या पश्चिम देश की जो समझ है स्त्री मुक्ति की, स्त्री मुक्ति की जो हमारी समझ है और जो उनकी समझ है वो सर्वथा अलग है। वहाँ पे आपको अपने देह पे आप क्या पहने नहीं पहने, इसके लिए आपको ब्रा बर्निंग और स्ट्रीट पे जाके आपको करना पड़ता है, आपको मूवमेंट चलाना पड़ता है ना, आपको कहना पड़ता है कि मैं ब्रा नहीं पहनूंगी। हमारे यहाँ स्त्रियाँ ब्लाउज भी नहीं पहनती हैं, कुछ भी नहीं, उनका अंतः वस्त्र का वो पहनेंगी या नहीं पहनेंगी ये कोई उनको डिक्टेट नहीं करता है, वो किसी के सामने चीखने नहीं चाहती हैं कि मैं ये नहीं पहनूंगी, वो बस नहीं पहनती हैं। हमारे यहाँ जो 40 की पार की औरतें हैं, या हमारे यहाँ जो अमूमन आप देखेंगी मिथिला के क्षेत्र में जो है, ये बहुत ही साधारण, मतलब एक कॉमन नोन फैक्ट है, इसमें कोई नया रिविलेशन में नहीं कर रही हूँ, कि वो पहनती हैं और बिना ब्लाउज़ के साड़ियाँ पहनती हैं, और वहाँ पे सिर्फ उनकी देह को नहीं देखा जाता है, उसको बहुत कॉमनली वो एक्सेप्टेड एक फेनोमेनन है जहाँ वो एक वस्त्रा हैं। और जहाँ सबसे बड़ी बात, जब आप बिकिनी पहनती हैं, जब आप छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं जो कि फैशन है, वो तो वहाँ फैशन है ना, तो फिर यहाँ पे इस तरीके से कि ये देह का जो हमारा लज्जा की बात आएगी, लज्जा तो कहीं भी अटैच कर सकते, लज्जा तो आंख में है, लज्जा वस्त्र में थोड़ी ही है, वस्त्र के लेंथ में लज्जा नहीं है। तो ये जो निखंड साड़ी जिसको हम लोग, मैंने निखंड साड़ी जो कहते हैं, ये दरअसल एक देह से, देह की जो लज्जा थी उससे मुक्ति का एक मुक्ति प्रसंग कहा जा सकता है इसको, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसको आप मुक्ति प्रसंग के तौर पर देखिए, जहाँ आपको रोड पे मूवमेंट नहीं चलाना है, पर आप एक साइलेंट चॉइसेस आप मेक कर रही हैं, यू आर मेकिंग योर ओन चॉइसेस, फाइन। बस यही, ये जो है ये दरअसल देह से मुक्ति का प्रसंग था जो धीरे धीरे डिक्लाइन में हुआ, पहले ये बहुत आम तौर पे दिखता था, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, लेकिन ये धीरे धीरे डिक्लाइन, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो फैशन शो है दरअसल उसको फिर से एक तरीके से डिबेट में लाने की कोशिश, एब्सोल्युटली, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये एक पॉइंट है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी आपको सर। मैम इसको आप किस तरीके से देखते हैं, ये देह से मुक्ति या अपनी जो देह की लज्जा है, जैसे ब्रेस्ट है हमारा, ब्रा पहनते हैं, तो ये इन सबसे क्या मुक्ति का है? मुझे लगता है कि परंपराएं में वो तमाम बातें थी जो हमें देह से मुक्त होने की तरफ रास्ता दिखा रही थी, प्रावधान था, लोग ऐसे थे जो ऐसे वस्त्र पहन रहे थे, सो देह से मुक्ति का जो दर्शन है वो एक दर्शन है, वो एक प्रावधान मात्र नहीं है, उस दर्शन को कहीं ना कहीं वो छींचता गया, वो ख़त्म होता गया, और हम लोग बहुत ज़्यादा इस बात की तरफ ये होने लगे कि हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर हम क्या पहन रहे हैं वो महत्वपूर्ण होता गया, और कहीं ना कहीं एक वस्त्र इस बात का प्रयास है
कि देह से मुक्ति के इस प्रसंग को, इस दर्शन को आप समझ पाएँ कि देह और उसकी जो उसको आप किस तरीके से ढकते या नहीं ढकते हैं, ये आपका अपना चॉइस है, ये आपकी अपनी चुनाव है। आप चुनती हैं कि आप किस तरीके से रहती हैं, आप किस तरीके से पहनती हैं, क्या पहनती हैं, कब पहनती हैं, ये दूसरा कोई बाहरी एजेंसी आपको डिक्टेट नहीं करेगा। और वही चीज़ हम ब्रह्म समाज में भी देखते हैं, जब रविन्द्रनाथ टैगोर के ठाकुर जी के परिवार से एक औरत ब्लाउज पहनती है तो भी विरोध होता है, और यहाँ पर भी जो अपर कास्ट औरतें ब्लाउज पहनती है तो भी विरोध होता है, फिर वो धीरे धीरे नीचे जाता है। क्या ये बहुत डिक्टेशन भी है औरतों का, क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे? डिक्टेशन का जो मसला है ये बहुत लेयर्ड है, मतलब इसको हम लोग एक ऐसे किसी एक संस्थान या किसी एक प्रभाग या किसी एक क्षेत्र से नहीं जोड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ पे आर्थिक एक इकाई के तौर पे स्त्रियों की जहाँ जहाँ अवस्था जो है वो कमज़ोर हुई, तो उन पे डिक्टेशन जो है वो डू दिस डू दैट, आप ये करें ये ना करें, ये जो कंडक्ट बुक है ना, ये जो आचरण का जो पूरा एक कंडक्ट कोड बुक जो तैयार किया गया, ये विभिन्न समाज में है, ये विभिन्न संप्रदाय में है, विभिन्न क्षेत्रों में है। तो हमारे यहाँ भी वही वो हावी होता चला गया, बल्कि मैंने अपनी दादी नानियों का जो स्वतंत्र स्वर सुना है, जो देखा है, उनको जिस तरीके से अपनी लाज का की अधिकारिणी वो स्वयं है, वो स्वयं चुनाव करती हैं कि उनको लज्जा मुक्त रहना है या लज्जा युक्त रहना है, तो इसके जो मेरे ख्याल से बहुत सूक्ष्म जो इसके दर्शन हैं उसमें जाना होगा। और कहीं ना कहीं देह मुक्ति का प्रसंग जो है उसकी अधिकारिणी मात्र और मात्र स्त्री को ही बनाना होगा, इसका कोई पुरुष डिसीजन नहीं ले सकता है। एक वस्त्र का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि परंपरागत रूप से मिथिलांचल की जो महिलाएं थी वो जिस तरीके से परिधान करती थी, उसमें आप जिस तरीके से वस्त्र पहनती थी, साड़ी पहनती थी और वेशभूषा आभूषण क्या करती थी, मेकअप क्या करती थी, तो उसको बेसिकली दिखाना है, फिर से सामने लाना है, उसके बारे में एक तरह से लोगों को अवेयर कराना है कि ये हमारा कल्चरल हेरिटेज था। उसके पीछे एक वजह ये भी थी कि जो पहले ज़माने में उस ज़माने में जो है वो मशीन से सिली हुई चीज़ें जो थी वो शुद्ध नहीं मानी जाती थी, तो लोग जो है बिना मशीन के सिलाई के कोई भी कपड़ा पहनते थे। तो बेसिकली महिलाएं जो थी वो 9 yard का एक सिंपल क्लॉथ होता था जिसको वो लपेटती थी, और ब्लाउज़ और पेटीकोट नहीं पहनने का रिवाज रहता था। इसकी वजह से एक बहुत अच्छी बात ये हुई थी कि महिलाओं को जो है अपने शरीर को लेके जो है वो इनहिबिशन उनका जो है, मेरे ख्याल से अब मुझे लगता है कि कम था, क्योंकि वो थोड़ी स्वच्छंद थी। आज के समय में जो स्त्री देह को लेकर एक बहुत ही संकुचित परिपाटी या संकुचित विचारधारा चली है कि महिलाओं को इस तरीके से ही पहनना चाहिए, महिलाओं को अपना शरीर नहीं दिखाना चाहिए, महिलाओं को कोई उनका कोई भी अंग नहीं दिखना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट ये जो परिपाटी है, ये जो परंपरा है, वो एक पैरेलल नैरेटिव क्रिएट करती है और एग्जाम्पल देती है। तो बेसिकली एक वस्त्र के पीछे यही आइडिया था। जब हम मॉडलिंग करते हैं या कभी आप मॉडलिंग करते हैं जी, तो हम ब्लाउज पहनते हैं जी, तो ये आपको कैसा कॉन्सेप्ट जब पहली बार पता चला कि भाई हमें बिना ब्लाउज बिना पेटीकोट के पहनना पड़ेगा, तो कैसा लगा? सी एट फर्स्ट तो थोड़ा बहुत लगता है कि बिना ब्लाउज और बिना पेटीकोट के लाइक एक वस्त्र पहनना पड़ेगा, बट हम लोग अपने हिस्ट्री में जाएँ तो ऐसी सारी औरतें पुरानों में भी पहना करती थी, तो एक्चुअली में ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, हमें एजुकेट कर रहा है। इवन मुझे भी उतना नॉलेज नहीं था इस चीज़ के बारे में, और मुझे इस चीज़ के ज़रिए पता चला, ये सारी चीज़ें अपनी हिस्ट्री के बारे में और जानने का मौका मिला, और
साथ ही साथ लोग बहुत ज़्यादा आज की लड़कियों को बोलते हैं छोटा कपड़ा पहनती है, स्किन शो करती है, जबकि हम लोग पुरानों से ही लोग बोलते हैं कि हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है, हमारी संस्कृति में लोग ढक के कपड़े पहनते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर हम लोग हमारे पास्ट में जाएंगे तो इस तरीके के कपड़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा पहना करते थे। तो आज के ज़माने में अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो ये संस्कृति का जो सबके भाषण देते हैं कि संस्कृति के खिलाफ जा रहा है वो बहुत ही गलत है। तो ये एजुकेट बहुत अच्छी तरीके से कर सके। मुस्कान सिन्हा। और आप यहीं पे दरभंगा में हैं? नहीं, मैं पटना की हूँ। पटना में मॉडलिंग जी, कितने साल से? 3-4 साल से मॉडलिंग। थैंक यू सो मच। Trishula, tri, tri, Trishula, tri, tri.